क्यों कर रहे हो? अरे उधर से किडनैप करने के लिए जाने को, वैसे आप यहाँ से नीचे वहाँ भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, बहुत जगह है, जितनी क्षमता हो उतना चले जाओ। इस सब स्ट्रक्चर की वजह से ना इसे वेनिस या फिर सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। इजिप्ट गया था ना मैं, तो पिरामिड्स में गया था अंदर, उस टाइम की याद आ गई। पिरामिड्स में भी ऐसे छोटे छोटे पैसे होते थे नीचे उतरने के, सेम यहाँ पे लग रही है फील। देखो ना कैसे कैसे पैसे थे भाई साहब। इस दरवाजे के पीछे भाई साहब लिफ्ट है जो अभी बंद कर रखी, और ये बनी थी 1940 में, इलेक्ट्रिक लिफ्ट। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, उनका पूरा कवच। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 5 जनवरी 2023। हम हैं अभी भाई उदयपुर राजस्थान में। गुड़गांव से हम कल निकल गए थे अपनी 5000 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप में महिंद्रा थार यानी अपनी हल्क पर। तो कल की रात हम उदयपुर पहुंचे, लगभग 600-650 किलोमीटर चला के गाड़ी। यहाँ पे हमने रात को होटल ले लिया था 2000 रुपए में, साथ में अपने केशव भी आए हुए, और इस तरह का रूम है, एक डबल बेड लगा हुआ है, बाकी ये नॉर्मल ही है भाई साहब जैसा होता है। वॉशरूम है तो छोटा बट ठीक है, साफ सुथरा है। हमने भाई 2 नाइट्स के लिए लिया है ये होटल 4000 रुपए में टोटल। एंड आज के ब्लॉग में भाई हम उदयपुर सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो भी देखेंगे, क्योंकि इस सिटी को ना भाई वेनिस भी बोला जाता है। अब वेनिस आपको पता ही होगा, यूरोप में एक जगह है जहां पर ज्यादातर बोट से ही लोग ट्रैवल करते हैं, घर भी मतलब ऐसे नदी के पास पास ही है। तो यहाँ भी अपना बहुत सारी ना लेक्स है उदयपुर में, उसी रीजन की वजह से उदयपुर को वेनिस भी बोला जाता है। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं जाके क्या मिलता है हमें यहाँ पर। अच्छा अच्छा अपना भैया फोन ले लेते हैं, उसका चार्जर ले लेते हैं, और अपना ये पाउच, इसी में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेता हूँ। ये वाला होटल लिया था मैंडोविन, और वो भी ऑनलाइन बुक नहीं किया था, ऐसे चलते फिरते दिख गया था, तो पूछ लिया अंदर रूम वूम अच्छे लगे। डीलक्स रूम था, 2000 रुपए भी मतलब थोड़े ज्यादा ही है, बट फिर भी सही लगा हमें उस हिसाब से। बाकी आपको होटल्स तो यहाँ पे 400 रुपए से भी स्टार्ट हो जाते हैं, और जाने को 40,000 तक भी जाते हैं, तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप ले सकते हो। इधर खड़ा है हमारा खूंखार हल्क भाई साहब, 650 किलोमीटर के आसपास लगभग चलाई है कल। ऑब्वियसली BMW से ज़्यादा थकान हुई इसमें, बट इतना कुछ मेजर फर्क नहीं था, मतलब मज़े से चल गई 600-650 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड वही 80-90 की रख रहे थे, तो मजा आ रहा था चलाने में भी। रोड अच्छी है ना, एक तो राजस्थान की, इसलिए भाई साहब इतना इनर जैकेट वैकेट पहन ली, यहाँ तो गर्मी लग रही है। अभी AC ऑन करा है, सोचो जनवरी के मौसम में। ये है कि रात को राजस्थान में काफी ज्यादा ना ठंड लगती है, पर दिन में गर्मी भी हो जाती है, फिर बताओ। एंड कुछ आज गिन चुन के हमने 4 प्लेसेस कवर करनी है उदयपुर की, जिसमें से पहले हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल। ज्यादा दूर भी नहीं है अपने होटल से, 1-1.5 किलोमीटर ही है, तो मैंने कहा स्टार्ट चलो यहीं से कर लेते हैं अच्छे से। भाई सब पुलिस बड़ी खड़ी है आज यहाँ। प्रॉपर बाजार में घुस गए हम, तो यहीं से ही रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप, तो बहुत भीड़ भड़क का है। गुड़गांव के सदर बाजार की याद आ गई, वैसी हालत हो रखी है, दुकानें हर तरफ। वैसे एरिया में ना थार लेकर आने में कॉन्फिडेंस मिलता है, BMW इधर उधर कहीं लग गई, किसी बाइक वाले ने स्क्रैच मार दिया तो दुख होगा। थार में क्या रफ एंड टफ गाड़ी है, कहीं भी ले जाओ जाएगी भाई साहब। पतली पतली गलियां आ रही है, बट हम ले जाएंगे, जब गूगल मैप दिखा रहा है तो मतलब रास्ता तो है। जाओ भाई हट जाओ, टेम्पल है पर उसके साथ में ही पैलेस भी है, तो जाना वही था, मैंने कहा टेम्पल से शुरुआत करें। भैया गाड़ी निकल जाएगी आगे से मंदिर तक, जगदीश टेम्पल। बहुत गलत जगह फंस गए भाई साहब, बहुत पतली पतली गली है, देखना ऊपर से चढ़ाई भी है, अजीब सा ही रास्ता है। तो केशव को भेजा, बाइक साइड कर रहा है, होपफुली निकल जानी चाहिए गाड़ी। अब बाजार वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ ले आए ये गाड़ी, घुसा दी इतनी बड़ी सी। भाई साहब कोई दुकान वाला कह रहा रास्ता है, कोई कह रहा बंद है, समझ नहीं आ रहा कहाँ ले। भैया कहाँ से बाहर निकलेंगे यहाँ से, हमें तो टेम्पल जाना है, जगदीश टेम्पल। मुझे लग रहा है उस बंदे ने जान पूछ के फंसाया, कह रहा गूगल मैप देख के, मैंने कहा हाँ, कह रहा जाओ ऐसे करा उसने, ताकि आगे जाके फंस जाइए। तो आप भैया गूगल मैप के भरोसे ज्यादा ना ही रहो तो बेटर है, मेन रोड से ही आए करो, एक गलियों में हमें तो फंसवा दिया फालतू का। निकलवा रहे हैं किसी तरह से, धीरे धीरे टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई साहब हर चीज की मार्केट लगी हुई है यहाँ तो, पर जगह मुझे दिख नहीं रही निकलने की ढंग से। फाइनली लग तो रहा है भाई बाहर निकल गए है, बड़ी बहुत बिचम सी मार्केट। ये देखो यहाँ से आना था मैं इस वाली मेन रोड से, और इसने कहाँ से ले गया ये अंदर से बाजार। ये अब सही है रास्ता है, चौड़ा यहाँ दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ से भी 1.5 किलोमीटर ही है। अभी लोकल से पूछा, वो कह रहे हैं आपको पार्किंग यहीं करनी पड़ेगी, इससे आगे पैदल जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर है भाई, पैदल कौन जाएगा। मेरे को लग रहा है तो झूठ बोल रहे हैं, पर गाड़ियाँ तो देखो खड़ी है, वैसे लोगों की पूछते हैं और किसी से भी। हाँ जी बोलिए जी, मैं कब से उधर है। अच्छा पीछे क्यों कर रहे हो? अरे उधर से किडनैप करने के लिए। किडनैप तो नहीं करना हमें, फिर पीछा क्यों कर रहे हो? अरे वो मैंने आपको देखा था। अच्छा अब ये बताओ जगदीश टेम्पल कहाँ से जाएंगे यहाँ से? अरे वो घबरा गए, बताओ आप भी यूट्यूबर हो? नहीं नहीं। फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? वैसे क्लिप लो जी, लो फोटो ले लो। अब तो बताओ
अरे रास्ता तो बता दो, हम बीच में रोड के खड़े हुए हैं। कहाँ से जाना है जगदीश टेम्पल? यही के हो ना आप? यही के हो। फिर पता नहीं है क्या, 50 लोगों से पूछ ले, पता ही नहीं किसी को। कोई कह रहा लेफ्ट हो जाओ, कोई राइट हो जाओ, कोई सीधा पीछे आगे, फंसे हुए। बताओ इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ये हाल है। अब आए भाई सही जगह। ये देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है सिटी पैलेस राइट, यहाँ से ये है चोरी चोरी सड़के। हम तो पता नहीं कहाँ बाजार में घुस गए थे गूगल मैप के भरोसे। हाँ भाई साहब, अब इस रोड पे फील आ रही है कि कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए हम। देखो वही अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं लोग, आसपास होटल्स वगैरह है, खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, और 950 मीटर पे है रॉयल पैलेस एंड जगदीश टेम्पल। देख लो भाई, कोई भी ऑटो वाला कुछ भी बताए, सीधा टेम्पल तक आना है आपको, और यहीं पे गवर्नमेंट अप्रूव पार्किंग भी है। ये देखो 70 मीटर पे है टेम्पल, सिर्फ यहीं पे पार्क कर देते हैं। काफी बड़ी पार्किंग है अंदर। देखो लोग ना ऑटो के चक्कर में कि ऑटो में बैठ जाओ, इसलिए कह रहे थे कि ऊपर तक जाती नहीं गाड़ी। अब लो पहुंच गए ना, पूरा मस्त जगह मिल गई भाई यहाँ पर। कितने रुपए की पर्ची है? 4-व्हीलर के सिर्फ 10 रुपए है पार्किंग। सही है, ये हमने पर्ची ले ली। जस्ट यहीं से निकलते हुए टेम्पल है। चलो भाई चलो। ये है भाई लोग जगदीश टेम्पल। ऐसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाना है यहाँ से। नीचे भी पूरी मार्केट लगी हुई है, और आप प्रसाद वगैरह भी नीचे से ही ले सकते हो। एकदम ऐसे स्ट्रेट सी सीढ़ी है भाई साहब। ये देख लो भाई टाइमिंग, और अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हम एक बार पहले जल्दी से जाके ना मत्था टेक आते हैं। भाई साहब इतनी स्लिपरी सी है सीढ़ियां, ऐसे जुराबे पहन रखे ना तो पैर फिसल गया था। ये टेम्पल ना भाई 1651 में महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया था। सोचो कितना पुराना टेम्पल है, और क्या मस्त सी लुक आ रही है ना। ये देखो ये हुए ऐसे, मतलब देख रहे हो कितनी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। छोटे छोटे हाथी घोड़े सब कुछ बना रखे है इसी में। कितना सारा है भाई, यहाँ से अगर आप शुरू करोगे ना ऊपर तक, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें बनी हुई है, तो कितनी बारीकी से काम हुआ होगा सोचो। ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसी है, कितनी ज्यादा वो करी हुई है। देखना जिधर भी आपकी नजर जाएगी ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूर्ति या फिर कटिंग करके ऐसी अनोखी सी चीज बनाई रखी है। अब यहाँ से भाई हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, 150 मीटर है। चलो भाई चलो। ये देखो भाई मंदिर के सामने ही बिल्कुल होटल है, और कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है किला हो। एंड इसके जस्ट सामने हमें एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, जिसमें हम पी रहे हैं बंटा सोडा। ये वाला बंटा है तो टेस्ट कि भाई 30 रुपए का दिया, बट गला खराब ना हो जाए, बस यही डर है। कोई नहीं, डर के आगे जीत है। अंदर मेनली तीन चीजें हैं, सबसे पहले तो मेन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पैलेस, और तीसरा बोट राइड। तो जो कॉम्प्लेक्स है ना खाली, उसकी तो टिकट भैया सस्ती थी है 30 रुपए पर पर्सन, बट जो अंदर पैलेस है ना उसकी है भैया 300 रुपए पर पर्सन। तो हमने 2 टिकट ये ले ली, और बोट राइड जो है वो है 800 रुपए टिकट। बट अगर आप सुबह वाले स्लॉट पे आओगे 10 से 2 बजे तक, तो यही सेम टिकट आपको जो बोट वाली है 500 रुपए में मिलेगी, और शाम वाले स्लॉट में 800 की। तो ये क्या करते हैं, बोट में अभी 2-3 जगह घुमाएंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह ले जाते हैं, तो वो सब अंदर ही एक्सप्लोर करेंगे। बट टिकट महंगी है। और हाँ, स्टूडेंट अगर आप हो, स्टूडेंट आई डी कार्ड है, तो जो पैलेस की टिकट है ना उस पर आपको 50% डिस्काउंट है सीधा, मतलब 300 वाली टिकट 150 रुपए में। तो स्टूडेंट कार्ड ले आना अपना, यूज आ जाएगा। अगर आप 30 रुपए वाली टिकट लोगे ना खाली, इस कंपाउंड तक ही आ पाओगे, लेकिन पैलेस में एंट्री के लिए अलग से वो 300 रुपए वाली टिकट लेनी पड़ती है, जो यहाँ से है। अंदर जाके भाई हमें एक गाइड मिले जो बोल रहे थे कि अगर आप 5 बंदों तक भी लेते हो तो 500 रुपए लगेंगे, चाहे 1 बंदा हो, चाहे 2 बंदा हो, चाहे 3 बंदा। तो उसके बाद हमें ये भाई साहब मिल गए, हैदराबाद से आए हुए थे, तो हमने इनको अपनी टीम में ले लिया। तो 250 रुपए इन्होंने दे दी, 250 रुपए हमने, और 500 रुपए में कर लिया मस्त गाइड। एक ये भाई महाराणा प्रताप जी का कक्ष है, नवरात्रि में आप लोग आते हो, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, उनका पूरा कवच, ये 2 तलवार, कितना 35 किलो, 35 किलो का हथियार था पूरा इनका भाई साहब। ये देखो, ये तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने अपने घोड़े को आके हाथी की सूंड जैसा कुछ लगा दिया ताकि हाथी कंफ्यूज हो जाए। पूरा पड़ा हुआ महाराणा प्रताप का, तो रिलेटेबल लग रही है चीज। सबसे खास सैनिक था बहलोल खान लोधी, जिसको महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से कंधे से लेके घोड़े के साथ काट दिया था। अभी मैं आपको हल्दी घाटी समझाता, ये पूरा हल्दी घाटी का वो है। 18 जून 1574 हल्दी घाटी हुआ, घोड़े को मालूम चल जाता मेरे मालिक की जान खतरे में है। अच्छा, की चोरी नदी चेतक घोड़ा 3 पैर पर जंप करता है, और हल्दी घाटी ये वाली नदी करते हैं, इन जालियों में से रानियां देखा करती थी। साधु का नाम है प्रेमगिरी गोस्वामी जी महाराज। अच्छा, इन्हीं के आशीर्वाद से महल बनना चालू हुआ 450 साल। तो वो क्या यहाँ रहते थे, कैसे मंदिर मंदिर था उनका? बिना गाइड के आते तो इसको नहाने का टब समझ जाते, नहाने का टब नहीं, नीचे मंदिर की सेफ्टी के लिए, मंदिर की तिलक होता था। अच्छा, मंदिर के ऊपर कोई पैर नहीं रखे। अच्छा, तिलक होता था, 1 लाख चांदी के सिक्के गंगा जल भर के रखते थे। हाँ, आधे गरीब लोगों में बांट देते थे, आधे महल के मेंटेनेंस के लिए। इसमें पूरा राजा का नाम है अरविंद सिंह जी मेवाड़।
ये जिंदा है अभी? अब 100 साल पुराना पेंटिंग है, पेंटिंग है 100 साल से ज्यादा पुराना। अच्छा। पेंटिंग में बताया राजा अंबे माता जी के मंदिर दर्शन के लिए जा रहा है, मतलब देखने के लिए कांच है रानी के लिए, और इतना ग्लास बाहर डुप्लीकेट अंदर है ताकि कोई हाथ लगाकर तोड़ दे। अच्छा। उसके पहले विंडो होती थी शटर, स्लाइडर। ओके। अब यहाँ से नीचे देखो तो ये रानियाँ देखते थे यहाँ से के लिए, और पर्दा सिस्टम का था। अच्छा। ये सबसे फेमस आइलैंड है जग मंदिर, बट ये मंदिर नहीं, मुगल आर्मी को कन्फ्यूजन कर रहा था, या शाहजहाँ रुके थे, शाहजहाँ को डोम तो देख के आइडिया मिला ताजमहल। अच्छा। पार्टी के लिए बैंड पे देते, आप बोट राइड के जाएंगे ना? हाँ हाँ। कौन सा टिकट लिया? 5-4 बजे का। तो ये राजा को मंदिर दर्शन करते हुए जाते हैं, मंदिर नहीं मंदिर नीचे है, जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपस की यादें तो उनका शूटिंग हुआ, इसका व्यू है ना। अच्छा। पॉपुलर और डेस्टिनेशन जगह है। ताजमहल का आइडिया यहाँ से आया था अकबर को, ऊपर का देख के। हाँ भाई, सब अंदर ही अंदर कमरे ही कमरे है, देखना कितने सारे। ये देखो भाई, फेमस शीश महल यही है, रूबी और एमरल्ड लगा हुआ है असली में, राजा रानी का। अच्छा। फर्श में, दीवार में, छत में रूबी और एमरल्ड लगा हुआ है। ये ऊपर देखो भाई, रूबी और एमरल्ड लगा हुआ है, और ये बेडरूम हुआ करता था भाई साहब। 400 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। ग्लास का काम 160 ईयर्स ओल्ड है, पहले ग्लास था। हाँ। चांदी की थाली में, पानी में, ऑयल में चढ़ा होता है। पेंटिंग देखिए, फाइन एग्जांपल। फोटो में नहीं दिख रही, जूम करने पे दिख रही है ज्यादा अच्छे से। तो पूरी रियल ज्वेलरी थी, पीछे का हिस्सा दिख रहा है तलवार के पीछे का, ये देखो। हाँ। नीचे देखो ये पॉइंट, सही बात है। ऊपर ये ज्वेलरी देखो, ईच एंड एवरी हेयर, कैमरा भी अच्छे क्वालिटी का, ये देखो एक एक हेयर। ये ओरिजिनल है, मतलब कितनी डिटेलिंग में वो बनाई गई है। भैया ने तो बेइज्जती मार दी हमारी। यहाँ से अब व्यू दिखेगा तगड़े वाला। ओ भाई खतरनाक, देखना। ओ ये भाई साहब, पूरी उदयपुर सिटी का व्यू दिख रहा है। ये मोती महल लिखा है यहाँ, मोती महल जो थे। हाँ। पर्ली की तरह चमकते थे, कैंडल लगाने से ये पूरा। अच्छा। चोपड़ों में फेमस साड़ी देखा है? हाँ। केले के पत्ते का, बांस का। हाँ। ओरिजिनल साड़ी यहाँ मिलता है, लास्ट में दिखा हुआ। ये है भैया मेकअप या फिर ड्रेसिंग रूम रानी का, है नहीं मतलब था, अब तो नहीं है। इस दरवाजे के पीछे भाई सब लिफ्ट है जो अभी बंद कर रखी है, और ये बनी थी 1940 में इलेक्ट्रिक लिफ्ट। बताओ कहाँ कहाँ रास्ते निकल रहे हैं, पतले पतले, कभी नीचे कभी ऊपर, अलग ही देखना क्या कंस्ट्रक्शन है तगड़ी। इन सब की कुछ मैप वैप प्लानिंग हुई थी क्या? हाँ। उसके बाद ही बने होंगे ना, खतरनाक आर्किटेक्ट होगा जो भी जिसने भी करा होगा। ओ सोने के, असली सोना है। ओ भाई साहब देख रहे हो, एक और वरांडा आ गया भाई साहब, कितने वरांडे आ चुके देखना ऊपर से। अच्छा ऊपर ही तो थे अम्मा, कोई नहीं नहीं अलग है, महाराजा का मेन था, मेन पैलेस। हाँ यहीं पे रहते थे, मतलब उनके दास दासी। अभी देवानंद वाला 60 साल पुराना, कौन सी पिक्चर का? गाइड देवानंद, गाइड पिक्चर का। अच्छा। रानी खिड़की में। हाँ। ये है मानेक महल, क्या ये डाइनिंग रूम? डाइनिंग रूम, यहाँ पे भाई साहब खाना खाते थे। अब जहाँ जा रहे भाई, ये है जिनाना महल जो की के था रानी का, मतलब क्वींस पैलेस। ये देखो तो उधर वाला एरिया सारा राजा का पैलेस था, और यहाँ वैसे वो बता रहे की रहते तो राजा रानी साथ ही थे, पर स्टिल अलग बना रखा था। और देखना कैसे कैसे पैसे थे भाई साहब उस टाइम, तो ये लाइटें वाइटें लगी नहीं होती थी जो अभी लगा रखी है, तो इन खिड़कियों में से रोशनी आती थी अंदर। और वेंटिलेशन के लिए भी देखो ऐसे ये बना रखा है, नीचे से वेंटिलेशन पूरी प्रॉपर है। ये जाली वाली खिड़की है रानी को अगर नीचे देखना हो तो। अब जा रहे हैं हम अमर महल, रसोई रसोई है भाई उस टाइम के, टाइम के ये सारे भाई साहब उस टाइम के खिलौने हैं सारे, देख रहे हो। अभी तो बच्चों को चाहिए रिमोट कंट्रोल का और हेलीकॉप्टर, उस टाइम ऐसे बत्तख बत्तख भी होती थी। कितना ही बड़ा किला है भाई साहब, अंदर ही जाए जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, वो तो कह रहा हूँ अंदर ही अंदर। किसका? लेडीज का। रानी सामने, मेहमान साइड में, 500 पारी खाने का डिब्बा, सेकने का सिगरेट, अच्छा। केरोसिन से 150 साल इंग्लैंड, बाद में लाइट में नहीं, ये केरोसिन से चलता था। ओ भाई अभी भी चलता होगा ये? ओहो भाई साहब देख रहे हो। फिर भाई सब नीचे जा रहे, देखो सर्वेंट रूम है। अच्छा सर्वेंट रूम, छोड़ करके रास्ता निकाला है। ओके ठीक है। तो ये चीजें डिस्प्ले कर दी, पानी के बर्तन, टॉयलेट कैसे जाते थे, मेकअप कैसे होता था, समझाने के लिए सिर का ध्यान रखना लगता है। अच्छा पहले सर्वेंट रूम था ये देखो, ऐसे पानी के बर्तन वगैरह सब यूज होते थे पहले के जमाने में, तो काइंड ऑफ म्यूजियम सा बना दिया ये अंदर सर्वेंट रूम को तोड़ के। इस तरह से पानी का बर्तन था पीने के लिए, ये उस टाइम के मनोरंजन की चीजें, गेम्स वगैरह जैसे चेस लूडो वगैरह होती है उसी टाइप के, अलग अलग टाइप। यहाँ पे पेंटिंग हुआ करती थी, लोगों ने, टूरिस्ट ने आके खराब कर दी। बताओ क्या मिलता है खराब करके, ये मिनी स्ट्रक्चर बना रखा है पूरा। नीचे पेट्रोल पंप कहते, पेट्रोल पंप, पेट्रोल उस वक्त गाड़ियाँ होती थी। भैया कह रहे नीचे पेट्रोल पंप है, देखते हैं। इजिप्ट गया था ना मैं, तो पिरामिड्स में गया था अंदर,
उस टाइम की याद आ गई, पिरामिड्स में भी ऐसे छोटे छोटे पैसे होते थे नीचे उतरने के, सेम यहाँ पे लग रही है फील। अरे मूर्ति उर्ति गिरी हुई है, क्या ये पेट्रोल पंप है? दियो के लिए इसमें तेल होता था इकट्ठा। क्या है लक्ष्मी चौक भाई सब, इतना बड़ा एरिया देखो पैलेस के अंदर ही। आज भी और पुराने समय में रानी लोग के फंक्शन होते हैं। सामने भैया बता रहे हैं कि 150 रुपए में दाल बाटी मिलती है, पूरे उदयपुर में सबसे सस्ती, बाहर मिलती है 600 रुपए 700 रुपए। प्योर है, प्योर ओरिजिनल, प्योर देसी। ये देख लो भाई 150 रुपए में थाली, सही है। ओ भाई साहब टोटल 9000 किलो चांदी है यहाँ पे, सब 9 किलो उसका चांदी का, ऐसे अंदर भी है पूरा। ये देखो भाई रथ पूरा, ये सब कुछ चांदी का, ये भी सिंहासन वगैरह चांदी के, इधर भी चांदी के, टोटल मिला के 9000 किलो चांदी भाई साहब, कैलकुलेट कर लो अभी का रेट। सब देख रहे हो छोटा बड़ा सब, यहाँ पे सारे बर्तन ही बर्तन है चांदी के, ये कुछ औजार कैंची वगैरह, ये देखो गाड़िया वाड़िया हेलीकॉप्टर, ये सब भी, हेलीकॉप्टर नहीं एरोप्लेन। इधर ये बड़े बड़े पतीले टाइप के चेस रखी हुई है, ये भी सिल्वर है, पेंटिंग्स वगैरह उस टाइम की फोटोज वगैरह। इधर भी काफी चीजें है भाई, ट्रॉफीज वगैरह देखो, ये बहुत सारा है भाई, बहुत सारी चीजें है। गाइड लेना वर्थ है भाई, इतनी चीजें समझा देते हैं, आप अकेले घूमोगे भी पता नहीं चलेगा कौन सी चीज किस लिए है, तो ले लेना गाइड, सस्ते भी है 500 रुपए में, और क्या चाहिए। हाथी का पीलो क्योंकि पूरा सो जाएगा तो उठ नहीं पाएगा होल्ड का, अभी आगे का पैर, ये पीछे का पैर, इतने बड़े हाथी, अरे ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे पिछला पैर बनता था एक, वहाँ इतने तो नहीं देखे हमने कभी, होते ना 6 फीट लंबा ही है ना यार पूरा, ये 6 फीट इससे भी ज्यादा है, वहाँ एक पैर बनता है, यहाँ तो लूज होती है ना चेन। अच्छा मैं वही कहूँ, चेन होती है ना लूज, मैं कहूँ इतना एक पैर वहाँ एक यहाँ, ऐसा क्या हाथी था भाई साहब, हाथी को योगा करने का शौक था तो यहाँ पर ये उनका बेड बेड आती का समझ लो, यहाँ पे बैठते थे। कह रहे थे 1 घंटा लगेगा पूरा एक्सप्लेन करने, और 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी भाई साहब, क्योंकि अब दूसरा अभी तो पकड़ना है ना कोई, पर ठीक है आधी ज्यादा चीजें तो पता चली गई है ना उस हिसाब से, तो सही है। अभी पूरा टूर हो चुका है, अब हम जा रहे हैं भैया बोट राइड के लिए। बोट राइड भी मतलब मेन तो वही है उदयपुर में, यहाँ पर एक ये पैलेस और एक बोट राइड, तो वो करेंगे। और ये वाला पार्ट ना पूरे पैलेस का सबसे पुराना पार्ट है, जो उदय सिंह जी ने बनवाया था, उन्हीं के नाम से सिटी भी रखी गई थी उदयपुर, पता नहीं 1650 शायद बता रहे थे या 1550 ईयर, बहुत पुराना है। यहीं पर अंदर रेस्टोरेंट भी, अगर आप कुछ खाना वाना चाहो तो यहाँ खा सकते हो। फिलहाल हम इसी के राइड से नीचे जा रहे हैं बोट राइड के लिए, टिकट्स आप बाहर भी ले सकते हो बोट राइड के लिए और अंदर भी, जैसे भाई जो है इन्होंने बाहर से नहीं लिया तो अभी अंदर से ले लेंगे, हमारे पास तो है ही टिकट्स। तो यहाँ भी नीचे है टिकट काउंटर, अगर आपने बाहर से नहीं ली तो यहाँ से भी ले सकते हो। एंड वो देखो भाई सामने, ओहो क्या खूबसूरत नजारा है, ये चल रही है भाई इतनी सारी बोट्स पर, ये तो थरथर भर रखी है इन्होंने लोगों से। ये जहाँ पे बोट चल रही है ना, ये है भाई पिचोली लेक, और अभी जो दूर दूर तक आपको चीजें दिख रही है ना, वो सब आपको बोट राइड के दौरान दिखाऊंगा क्या क्या। जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत है वो ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स भी ले सकते हैं, पेड ऑब्वियसली फ्री नहीं है, तो वो इनको सीधा बोट जहाँ से चलती है वहीं छोड़ देंगे। फॉर्चुनेटली हमारे पैर अच्छे सही सलामत है तो हम चल सकते हैं। ये है पूरा, यहाँ से एंट्रेंस करके फिर बोट राइड पे जाएंगे। गाड़ी वैसे यहाँ तक भी ला सकते हो आप, पार्किंग है वैसे पेड़ यहाँ पर, बट हम तो पैलेस के अंदर अंदर से ही आ गए ना, इसलिए गाड़ी तो बाहर खड़ी है दूर। ये खड़ी भैया सामने बोट, अभी ये मेरे को लग रहा है इन लोगों से फुल हो जाएगी तो हम शायद नेक्स्ट वाली में जाएंगे, बाकी यहाँ बैठने बैठने का इंतजाम है। रामेश्वर घाट है इस जगह का नाम। Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. जो नदी के दोनों तरफ आप होटल्स देख रहे हो ना, ये पहले घर हुआ करते थे, बट अब एक्चुअल में घरों को होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। बाकी नदी के बीच में ही ऐसे अलग अलग काफी सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, पता नहीं क्या है, कोई मंदिर भी बना हुआ है, कोई नॉर्मल पैलेस टाइप के है। उधर की साइड जो देख रहे हो आप वो सिटी पैलेस है जहाँ से अभी हम आए हैं, बाकी एक लेक शोर करके रेस्टोरेंट बना हुआ है। इस सब स्ट्रक्चर की वजह से ना इसे वेनिस या फिर सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि लेक्स के दोनों तरफ आपको काफी सारी बिल्डिंग्स दिख जाएगी। एंड वो जो आप ऊपर पहाड़ी के देख रहे हो ना, वो है करनी माता टेम्पल, वहां तक अगर आपको जाना है तो केबल कार जाती है, हम नहीं जा पा रहे क्योंकि टाइम नहीं बचेगा इतना, बट आप अगर उदयपुर आओ तो भाई जरूर जाना। बोट भाई हमें लेकर आ गई है जग मंदिर पैलेस, ये होटल और एक रिजॉर्ट टाइप का है, तो हम आधा पौना घंटा यहाँ पे बिता सकते हैं। उसके बाद ये ही बोट मतलब दूसरी जो भी बोट आएगी 6:30 बजे तक हम किसी में भी बैठ के उल्टा जा सकते हैं। मेरा फोन ऑफ होने वाला है भाई, चार्जिंग 3% बची है, तो जितना होगा व्लॉग उतना ही करेंगे बस। और ये पूरा पैलेस भाई एक अलग ही आइलैंड पे है समझ लो, बिल्कुल ऐसे लेक के बीचम बीच। भीड़ तो हो रही है भाई तगड़ी, लोग खाना वाना खाने रुके हुए प्रॉपर। क्या है भाई सब कुछ भी नहीं है यहाँ, तो लोग खाना खा रहे हैं बस फालतू में, उधर नो एंट्री लिखा।
रखा है बेटा। हाँ कहाँ चलते हैं, कुछ है ही नहीं आ, तो क्यों ही उतरे हम फालतू में, उससे अच्छा कुछ और ही घूमे आते जाके। या तो जो 800 रुपए टिकट है बोर्ड की उसमें खाना भी दे दो भाई, तब तो बात भी समझे, खाना भी अपने पैसों को खाना पड़ेगा, फायदा क्या। चलो वॉशरूम तो बने हुए वो यूज कर लेते हैं भाई, वॉशरूम तो चलो अच्छा था भाई, ऐसा लग रहा था 5-star होटल का है। हम यहाँ पे पाव भाजी मिल रही है 150 रुपए की, ये खा लेते हैं। चलो दो प्लेट एक्स्ट्रा पाव है भाई साहब, देख लो 150 रुपए में ये पाव मिला जरा सा, और टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं है। इस क्लिप के बाद ना भाई मेरा आईफोन ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, तो इसलिए हम फटाफट से बोट में बैठे ज्यादा कुछ था नहीं करने को, और निकल गए वापसी के लिए। हमें जाना था इसके बाद भैया बाहुबली हिल्स। ते पहले भैया चार्जिंग पे लगाया फोन, थोड़ा चार्ज हो जाए वरना व्लॉग कैसे बनाएंगे। बाहुबली हिल्स का तो रास्ता भाई साहब ऐसे पूरा मस्त पहाड़ी भी रास्ता है, राजस्थान में हम और ऐसे पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे, और ज्यादा दूर भी नहीं था, टोटल 13-14 किलोमीटर था, मतलब 25-30 मिनट का रास्ता था। और ये देखो भाई इधर की तरफ पूरी झील ही झील है तगड़ी वाली, और सामने पहाड़, तो वो ऊपर आप टॉप देख रहे हो वो है भैया बाहुबली हिल्स, और वहां से जो व्यू आएगा ओए गजब का, मतलब हमने फोटो और वीडियोस देखी इतनी तगड़ी लग रही थी, अब सोचो सामने से हम देखेंगे मस्त एकदम। और ड्रोन भी लेकर आए भाई सब, ड्रोन उड़ाएंगे, अच्छे अच्छे शॉट्स आएंगे ताकि। तो यहाँ से भाई ये वाला रास्ता जा रहा है ना ऊपर तक, वहां पर है ऊपर बाहुबली हिल, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, 10 मिनट ही लगेंगे हार्डली, और नीचे शॉप्स वगैरह भी, यहाँ से पानी बोतल लेनी हो, मैगी वैगी लेनी हो आप ले सकते हो। कहाँ है ना पानी, पूरी भरी हुई है। चलो फिर चलो हम चढ़ना शुरू करते हैं भाई यहाँ से। पार्किंग कितने की है भैया, कितने की है पार्किंग? 10 रुपीस पर पर्सन, पार्किंग नहीं है। अच्छा मतलब चढ़ने का ऊपर, ठीक है अभी देने हैं ये। तो पार्किंग यहाँ पे फ्री है, बस वैसे पर पर्सन टिकट है 10 रुपए, वो जितनी भी देर के हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1-2 घंटा चाहे वहीं सो जाओ, 2-3 घंटा 4 घंटा वहीं सो जाओ चाहे। चलो इस तरह की दो टिकट है भैया, कह रहे 300 मीटर है, मुझे लगा 1.5-2 किलोमीटर, बहुत छोटा ही है, फिर तो 5 मिनट ही लगेंगे। हाँ हाँ और क्या है, जब 300 मीटर कितनी देर। केशव डर रहा है बेचारा, मतलब पहाड़ का होके भी इतना घबरा गया, क्या जिंदगी छोड़ो यार। चलो भाई चढ़ो चढ़ो, कमजोर आदमी। बैंड बज गई बुरी वाली, था तो थोड़ा ही डिस्टेंस, बट ऐसे सीधी सीधी सी चढ़ाई है, बहुत सांस चढ़ रही है, अभी भी रह गया होगा शायद से 50-60 मीटर और। पहुंच गए टॉप पर, यहाँ पर भी एक शॉप है, आप मैगी वैगी खा सकते हो, और अब यहाँ से बस 10-15 कदम चल के ही ऊपर हम पहुंच जाएंगे। एंड जो टिकट आपने नीचे ली थी वो ऊपर भी चेक होती है, तो बिना टिकट के आ मत जाना, वरना वापस नीचे जाना पड़ेगा टिकट खरीदने के लिए। यहीं से भाई भीड़ बहुत तगड़ी लग रही है, लोग ना प्री वेडिंग शूट्स के लिए आए हुए अपने गिम्बल विम्बल लेकर, तो मुझे लग नहीं रहा ढंग से फोटो खींचने देंगे हमें कोई, सबके सब घुसे पड़े रहेंगे भीड़। ये है भाई साहब पूरा जो मेन स्पॉट है, सामने देख सकते हो आप क्या मस्त स्ट्रक्चर लग रहा है, एंड यहाँ पर एक और दुकान है, बट रास्ता देखो और भी है नीचे नीचे जाके, वो वहाँ पे खड़े हैं ना वो लोग, तो पर भीड़ बहुत तगड़ी है, उनसे मुझे लग नहीं रहा फोटो वीडियो ले पाएंगे। ओ भाई साहब यहाँ तो थोड़ा खतरनाक मामला पानी है, देखना लूज है ना पत्थर और मिट्टी, तो स्लिप हो सकता है भैया, ध्यान से उतरेंगे। एंड भाई साहब कैक्टस देख रहे हो कितने मोटे वाले हैं, ये जरा से आपके चुभ गए ना तो भैया चीखे निकल जाएगी, तो इसलिए ध्यान से उतरना। भाई 10-15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली अपनी मतलब नंबर मिल गया, जगह मिल गई, तो हमने रील शॉर्ट जो भी लेने थे ले लिए, यहाँ का डन है। अब जाने को वैसे आप यहाँ से नीचे वहाँ भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, बहुत जगह है, जितनी क्षमता हो उतना चले जाओ, बट हमारा काम यहीं पे हो गया तो डन है। और ड्रोन उड़ नहीं पाया क्योंकि पता नहीं कुछ इंटरनेट का सैटेलाइट का इशू हो रहा है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा क्यों रिस्क लेना छोड़ो, बिना ड्रोन शॉट्स के काम चला लेंगे। सब यहाँ से ध्यान से ऊपर वापस चलते हैं धीरे धीरे, वापस जाते हुए इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारी उतराई है, चढ़ते वक्त ही थी चढ़ाई, कभी तो तैर पैर 2 मिनट में उतर जाएंगे। भाई साहब किसी ने भेलपुरी की रेड़ी ऊपर ला रखी है, लाए कैसे होंगे मैं वो सोच रहा हूँ, इंसान की चढ़ने में हालत खराब हो रही है, यहाँ रेड़ी लाए हुए बताओ। लो भाई 5 मिनट में आ भी गए नीचे आराम से सेफली, पूरा चलते हैं हवेली की तरफ वापस से, और नाइट में वहाँ डांस शो वगैरह होगा वो देखेंगे। गर्मी हो गई भाई बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे, पता नहीं दिन में इतनी गर्मी होती है, रात को एकदम से ठंड हो जाती है, आग लग गई है, जैकेट वैकेट उतार लूंगा मैं तो मस्त। 3 दिन से कह रहा था हीटर चलाओ फुल पे, और आज कह रहा है एसी चलाओ, वाह गजब। ये रास्ते में ना भाई साहब खूबसूरत नजारे आ रहे थे, ऐसे गाड़ी में ड्राइव में मजा आया, और ऊपर से भी नजारे अच्छे थे, फोटो रील्स भी मस्त हो गई, तो जल्दी खींच लेते हैं फटाफट। रे आपने जो पूरी लेक देखी ना इसका नाम था बड़ी झील,
बड़ी लेक जो भी है मतलब नाम है, तो ये भी एक स्पॉट ही है। पर आप बाहुबली हिल चढ़ोगे तो ऊपर से वैसे भी दिखी जाएगी। A few minutes later, वापस से उसी जगह आ गए, गाड़ी पार्क कर दी है और 7 से 8 बजे ना बरोली जो भी हवेली थी उसमें होता भैया डांस शो, तो वहाँ जा रहे हम देखने। हम देखो दिन में आए थे तो कैसा नजारा था और अब रात को कैसा नजारा है। यहाँ पे मार्केट भी अच्छे से देखो भाई साहब जगमगा सी गई है, तो आपने कुछ खरीदना वरीदना यहीं से आप ले सकते हो। पहुंच भी गए भाई 300-400 मीटर तक, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत है जिनका रूफ टॉप पे है, मतलब ऊपर से नदी वदी मस्त दिखती है, तो सोच रहे डिनर यहीं पे किसी रेस्टोरेंट में कर लेंगे। ये देखो भाई यहाँ पे एंट्रेंस ये पूरा, और वहाँ पर वही नदी है पिचोला, एंड इसकी भी टिकट लेनी पड़ती है। और ये वो शो है जो मैं आपको बता रहा था, इंडियंस के लिए 100 रुपए की टिकट है। टिकट तो भाई ले ली है, बट 7 से 8 का शो तो मिला नहीं, 8 से 9 वाला मिला है सेकंड शो, क्योंकि फर्स्ट सोल्ड आउट हो गया था। और 100-100 रुपए टिकट हम दोनों की और 100 रुपए कैमरे की भी। बाकी हवेली का म्यूजियम है यहाँ पर, तो सुबह 10 से 5:30 बजे शाम तक खुलता है, तो आप म्यूजियम आना चाहते हो तब भी आ सकते हो। हम तो लेट हो गए थे बाहुबली की वजह से। हवेली के साइड में ही ना ये घंघोर घाट है, तो यहाँ बैठते हैं क्योंकि अभी भाई 1.5 घंटा है शो शुरू होने में, तो खड़े खड़े क्या करेंगे, पानी के पास बैठते हैं। ये देखो भाई साहब क्या सुंदर नजारा है, ओए पूरी लाइट सी लाइट चल रही है सामने। इधर मंदिर में देखो भाई आरती चल रही है। अभी सर्दी है ना, तो भैया घाट पे और ज्यादा ठंड लग रही है, बट गर्मियों के टाइम पे अगर आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मस्त ठंड ठंडी हवा चलेगी ना, तो अच्छा सा फील होगा। ओहो लाइटिंग देखो क्या तगड़ी है। खत्म बिल्कुल मस्त था, पैसा वसूल एकदम। हम आ गए भैया खाना खाने के लिए झील कैफे, रूफ टॉप है यहाँ पर, तो आराम से रूफ टॉप में बैठ के, खुशबू तो मज़ेदार थी है उसकी है कॉफ़ी वॉफी की पूरी। थर्ड फ्लोर पर चढ़ना है विदाउट लिफ्ट, पैरों की आज वैसी बैंड बजी पड़ी है। तो ऊपर आ गए भाई रूफ टॉप पे, और यहाँ से देखो नज़ारा वही नीचे घाट है एक्चुअल में, और इसी के ऊपर कैफे बना हुआ है। खाना भाई एकदम मस्त था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट मजा आ गया, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा। झील कैफे है अपना हवेली के साइड में, स्पेशली इनका पैनकेक जरूर ट्राई करना भाई साहब, क्या टेस्ट था, मजा आ गया। ओए होए अब जा रहे हैं बाकी होटल अपने, पैरों की आज बैंड बज गई भाई साहब, बहुत घूम लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक दिन में इतना घूमना बड़ी बात हो गई बहुत ज्यादा। चलो जी खत्म करते हैं व्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय। Not the brave kind, never dared to